गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बेटा? आप सभी लोग, आपका चैनल आपका फिजिक्स अड्डा में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम अपनी जो क्लास स्टार्ट करें बेटा, 10th क्लास के लिए है। तो 10th क्लास में जैसा कि पता है कि लास्ट क्लास में हमने लेंसेज क्या होते हैं, उसके टाइप्स और बेसिक बात करें कि लेंस की जो इमेज बनेगी तो उसके लिए रूल आपको क्या क्या फॉलो करने हैं, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। आज हम उन रूल्स की हेल्प से इमेज फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्म बाय एक कन्वेक्स लेंस। क्या देखें बेटा? कन्वेक्स लेंस। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर है। अब पहले एक रफ चीज नोट करें, जैसे पिछले वाले में हमने नोट की थी और एक बात और बताई थी, मिरर हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, कनकेव मिरर, फिर कन्वेक्स मिरर, अब पढ़ रहे कन्वेक्स लेंस और फिर कनकेव लेंस। रीजन ये है बेटा, ये भी रेज को कन्वर्ट करता है और कनकेव मिरर भी दो रेज को सपोर्ट का है, कन्वर्ट करवाता है। अब आपको डायग्राम में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, आप अपनी नोटबुक के अंदर फोर लाइन का डायग्राम बनाएंगे और ऐसे मिडल में दो लाइन के ऊपर दो लाइन, नीचे यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपको ये पता है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ये F और इतने ही गैप पे 2, इस साइड भी F और 2F, क्लियर है। अगर आप इनको नाम देना चाहो तो ये हो जाएगा। अब यहां पे 6 केस होंगे, कितने केसेस होंगे? 6 केसेस, जैसा कि हमारे कनकेव मिरर में होते थे। वो 6 केस कौन से हैं? आपको सभी चीजें यहाँ से देखनी है, सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो 6 केस हमारे हो सकते हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का प्रेजेंट हो सकता है इंफिनिटी में, सेकंड का हो सकता है इधर से देख रहे हैं तो 2f से उस साइड, तो सेकंड आ जाएगा यहाँ, थर्ड हो जाएगा 2f के ऊपर, फोर्थ इन दोनों के बीच में, फिफ्थ यहाँ पर और सिक्स, ठीक है। तो सेवन जिसके मिडिल में रखने का लॉजिक नहीं बनेगा, ये 6 केस है हमारे जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसी तरीके से बस थोड़ी सी चीजें बदलेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट एट इनफिनिटी, ये है। आपको वही चीज सी एफ एक सेकेंड हो गया, सी एफ 2f इधर नहीं नहीं गैप पे गैप थोड़ा सा आपको अच्छे से ध्यान रखें, F 2F, इसको F1 2F1 F2 2F2 भी बोल सकते हैं। फर्स्ट में क्या होगा? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अभी के लिए बताएं, सेकंड के लिए मैं सभी के फटाफट ये बेसिक डायग्राम बना देता हूं, फिर हम काम इस भाग के स्टार्ट करते हैं, फिर बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो इन डायग्राम के साथ हम काम करना स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ये तो मैंने सारे एक सी चीजें बनाई, तो घबराने की जरूरत नहीं, आपको वैसे बनाने। फर्स्ट में रखना ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, वो तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो रेंज ऐसे आपको लेके आनी है, दूर तक रोटेट, उसके बाद स्ट्रेट। अब आप लोगों ने पढ़ा था जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगे, एक चीज ध्यान रखनी, मिडल तक स्ट्रेट लेके आओ। और वो क्या हो रही थी? पैदल वाले रे कहां से पास हो जाएगी?
फोकस है। अगर आपको दिक्कत आए तो आप अपना स्केल यूज करके ऐसे कर सकते हैं कि डायग्राम में गड़बड़ ना आए, ये वाला मेथड आप यूज कर सकते हैं। फिर फुल स्टेप, इससे वो क्लियरिटी आएगी। क्लियर है बेटा? तो फर्स्ट पॉइंट। दूसरी चीज ध्यान रखने, देखो मैं एक चीज समझा रहा हूँ, ये लेंस है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि मीडियम यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो मैंने एरो रिफ्रैक्शन से पहले भी और रिफ्रैक्शन के बाद में भी लगाए, तो आपको भी इनका ध्यान रखना। यहाँ पे हम लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज, अब इसको मैं होल्ड करता हूं। सेकंड इज ऑब्जेक्ट, अब हमें सारी चीजें लेंस के केस में यहां सेंटर से देखनी होती है, तो ऑब्जेक्ट सेकंड केस हमारा बन रहा था कि 2f से उस साइड रखना है, तो उनको बोलेंगे बियॉन्ड 2f1। या अगर आप में आपसे सिंपली 2f करके पूछ ले, क्लियर है, या हो सकता है वो इस साइड वाले को 2f2 मान रहे हो, तो तीनों का मतलब सेम ही बनेगा। हमें एक बात पता है कि ऑब्जेक्ट हम इस साइड रखते हैं, तो इस साइड वाले पोर्शन की बात हो रही है, चाहे उसको 2f1 से लिखे, तो ये नोटेशन तो हमने अपनी मर्जी से की है, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट आपको ये मिलेगा इनको, बट अगर मिले तो आपको 1% भी छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, यहाँ पे रख के सोल्व कर देना। तो अब आगे क्या बता रहा, 4 लाइन का डायग्राम बेटा, तो ये ऊपर 2 लाइन है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट में कोशिश करूंगा 1.5 लाइन का बनाना, आप भी यही करना। अब फिर क्या करना है, फर्स्ट रे पैरेलल, पैरेलल वाली कहां से पास होगी, स्ट्रेट चलेगी। दूसरी रे या तो आप ये ले सकते हो कि फोकस से आए वो पैरेलल हो जाए, या एक बच्चा सीधा ये कर सकता है, और हम भी यही फॉलो करेंगे कि डायरेक्ट में सेंटर वाली लाइन लो, कौन से वाली ने, सेंटर वाली ले लेते हैं, तो ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट सिंपल एंड से आपको बनाना है, बिल्कुल भी डायग्राम गलत नहीं होंगे आप लोगों के। इसको पूरा कट खींच देते हैं तो उस साइड से ले जाएगा कि आपको कटिंग पता चल जाए कहां कट रहा था, ये हो क्लियर बेटा। अब अगली बात, इस पॉइंट को बोल लेंगे ए, इसको बोल लेंगे बी, तो ये रे ए से चली थी, मैं इसका सिर मान लेता हूं तो ऑब्जेक्ट का इधर, तो ए से चली थी, तो ये पॉइंट जो मुझे मिलेगा, ये पॉइंट क्या होगा मेरे पास, ए डैश, कैसे कौन सा पॉइंट होगा, इसकी इमेज को मैं ए डैश से दिखा सकता हूं। अब यहां से यहां तक आपको लाइन बनानी, पूरी पॉइंट से यहां तक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी, यानी सीधी लाइन खींच दी, इसको टच करवानी, तो इधर हो गया ए डैश और इधर हो गया बी, क्लियर है। थर्ड और देखते हैं, फिर धीरे धीरे चीजें उन क्लियरिफाई हो जाएंगी। ऑब्जेक्ट, एक चीज और, यहाँ पे गैप छोड़ना बेटा 3-4 लाइन का, यहाँ पे भी 3-4 लाइन का गैप छोड़े नेचर ऑफ इमेज, फिर आपको ये नोट करना ऑब्जेक्ट अब कहाँ पे आ जाएगा, एट 2f1, क्लियर है, तो मैं कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्ट कहाँ ले लेता हूँ, वही वाले लाभ लाइन का ऑब्जेक्ट, अब आपको बड़ा अच्छे से ध्यान रखना है, एक रे तो हमारी क्या होगी पैरेलल वाली है, कहां से पास हो जाएगी, फोकस। दूसरी रे आपकी ऐसे आनी चाहिए कि आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारी तो लाइन कट करेगी और गैप का थोड़ा सा ध्यान रखिए बेटा, मुझे गैप चेक करना पड़ेगा, 7 14, ये तो ऑब्जेक्ट है, इसमें गड़बड़ हो रखी है, तो थोड़ा सा भी आपको गैप बिल्कुल
बारीकी से लेना है और इस वाले केस में तो खासकर सेवन फोर्टीन, ये देखो नहीं तो गड़बड़ आएगी, थोड़ा सही उधर होने की वजह से गड़बड़ हो जाती है। आप लोगों को ये गैप चाहे आप स्केल से ले लेना, जितना सेंटीमीटर लो उतने ही ये हो जाएगा। तो ये लाइट आप लोगों की यहां से चलेगी, ये हमारा क्या होगा ऑब्जेक्ट, अब फर्स्ट हो गई। अब यहां से एक चीज देख के चलेंगे, अगर आप ये डायग्राम बनाओगे मैं बिल्कुल फ्री हैंड से बना रहा हूं, तो ये जस्ट बिल्कुल इसके नीचे कट करेगा, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं यहां पे, कि ये हमने ए लिया, ये बी लिया, ये ए डैश और ये बी डैश। तो ये चीज जब आप ले लेते हो तो ये हमारी इमेज आ जाएगी। फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट यहां पे नेचर के लिए तीन चार लाइन आपको छोड़नी है, ऑब्जेक्ट का कार लाइन दोनों के बीच में, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड 2F। तो यहां हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, वन एंड हाफ लाइन को ऑब्जेक्ट रखना बेटा, कोशिश करो ये कहां से पास हो जाएगी स्ट्रेट। उसके बाद अब ये लाइट चलनी है हमारी ऐसे स्टार्ट होगी, ये सीधी आपको चलानी है कहां तक गए बिल्कुल फ्री एंड से, ये वाली ऐसे आ गई। तो ये यहां कट कर रही है, तो यहां ए पॉइंट था, यहां बी पॉइंट था, तो यहां पर क्या मिलेगा ए डैश। अब आपको सीधा क्या कर देना है, ये तो ये आ जाएगा बेटा ए डैश और ये हो जाएगा बी डैश। तो ये चीजें हैं, क्लियर है। अब मैं आगे का डिस्कशन स्टार्ट करता हूं। अब नेत्रोक्त इमेज पे आ जाओ, नेत्रोक्त इमेज मैंने पर मिरर में भी बता रहा हूं, यहां पे भी बता रहा हूं। तीन चीजें आपको बतानी है, इमेज की पोजीशन कहां पे है, उसका साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा है छोटा है, और तीसरा वो रियल है या वर्चुअल है, वो सीधी है या उल्टी है। तो फर्स्ट पॉइंट अगर देखें तो ये कहां पे बन रही है, F2, ठीक है। सेकंड, पहले मैं इसको डिस्कस नहीं करता, पहले इस पे आ रहा हूं नेचर ऑफ इमेज। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था इन मिरर और लेंस में से, सीधा पूछ रखा था पांच नंबर में कि ऑब्जेक्ट क्या रखा हुआ था, इमेज कहां बनेगी। तो सॉरी कहां पे बन रही है, बिटवीन F2 एंड 2F2 फर्स्ट पॉइंट। दूसरा बेटा ये ऑब्जेक्ट इतना है, इमेज इतनी से बनी है, तो स्मॉल इन साइज। तीसरा यहां आप देख रहे हो डार्क लाइन और यहां पे भी डार्क लाइन है, तो ये जब डार्क लाइन से इमेज बनेगी नॉर्मल वर्डिंग में तो रियल बनती है। और दूसरी इनवर्टेड, ये इसका सिर यहां पे मानो तो इसका सिर नीचे आ रहा है उल्टा, तो कैसे बन रही है इनवर्टेड। तो इनवर्टेड का मतलब होता है उल्टा, और रियल का मतलब होता है आप लोगों को पता ही होगा जो वास्तविक हो। रियल और वर्चुअल इमेज में भी डिफरेंस बता दूंगा थोड़ा सा,
चले बेटा, तो इसी भी आप पे में यहाँ पे क्या बोल लेंगे कि साइज कैसा बन रहा है, इसमें तो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनी थी तो इतना साइज आ गया, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस से इतने नीचे कट गया तो इतना साइज, इसमें और नीचे कट गया इतना, इसमें कट के इस पे कर रही है तो साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज। यानी कि जब लाइट की रेज प्रिंसिपल एक्सिस पे कट करे पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे या ऊपर जितनी दूर कट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस से कटिंग पॉइंट तक का डिस्टेंस हमारा उसका साइज होता है। तीसरा, यहां पे भी डार्क लाइन कट करे तो रियल एंड इनवर्ट, क्या होगा बेटा, रियल एंड इनवर्ट। अब अगली बात पे चलता हूं, आप लोगों ने डायग्राम बनाया होगा उसके नीचे स्पेस छोड़ा होगा तो मैं वहां का जो निचला आपको लिखना हो बता रहा हूं कैसी बन रही है, कहां पे पहले तो N2F2, सेकंड साइज क्या है इस केस में सेम साइज, और तीसरी बात बात करूं मैं तो तीसरी बात होगी यहां पे भी रियल है एंड क्लियर बेटा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और कोट वाले का नेचर यहाँ लिख देते हैं, कोट का डायग्राम बनाओगे उनका नेचर, कहाँ पे बनी है B2F2, ठीक है। सेकंड लार्ज इन साइज और थर्ड रियल एंड इनवर्ट, क्लियर है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज और बताता हूं छोटी सी, जब हमारी इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी हो लार्ज हो तो उसको मेन और नाम दे देते हैं इनलार्ज, कैसी इमेज है ये इनलार्ज इमेज है, तो आपको घबराना नहीं है अगर किसी ऑप्शन में ये ना मिले ये मिल जाए तो ये मतलब होता है। और स्मॉल इन साइज का मतलब होता है स्मॉल इन साइज का डिमिनिश्ड, क्या होता है डिमिनिश्ड, छोटी होती है, क्लियर है। तो ये चारों पॉइंट उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। अब मैंने चारों इसीलिए बोर्ड पे लिखे हैं बता कि आपको चीज समझ आ रही है, वो देखो जब ऑब्जेक्ट यहां था साइज F2 पे इमेज होने पॉइंट साइज के, अब ऑब्जेक्ट यहां से थोड़ा सा इस तरफ आया तो इमेज इससे पीछे चली गई पहले, फिर ऑब्जेक्ट और आगे आया तो F1 पे इमेज और पीछे चली गई, और आगे आया और पीछे, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आ रहा है लेंस के इमेज दूसरी साइड उतनी दूर जाती जाएगी, आप इसको प्रैक्टिकली देख भी सकते। अगर यहाँ एक लेंस होता ऑब्जेक्ट को लेके आऊं पीछे स्क्रीन रखूं तो मुझे जो इमेज मिले वो पीछे मिलती चली जाएगी। बट दूसरा साइज की बात करते हैं, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आ रहा है पॉइंट साइज फिर उससे थोड़ा सा बड़ा फिर और बड़ा फिर और बड़ा, तो साइज भी क्या होता जाएगा आपकी इमेज का बढ़ता जाएगा। तो दो बातें आप सीखोगे कि जैसे जैसे लेंस के नजदीक ऑब्जेक्ट आएगा इमेज उससे दूर होती चली जाएगी और बड़ी होती चली जाएगी, क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना बेटा। फिफ्थ केस, ऑब्जेक्ट एट एफ, यही चीज आपको बनानी है। यहां पे भी गैप का पक्का ध्यान रखें, F2 थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये गैप सेम नहीं है, चेक
कर लेते हैं, ये है 6.5 सेंटीमीटर, तो ये ले लेते हैं 7, यहाँ पे आएगा यहाँ का कोण कुछ ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ लग रही थी तो दिख जाएगा। F1 2 F ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड C, ये केस हमारा ये बनेगा। इसके लिए ऑब्जेक्ट का रखना है एट F, तो एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट हमारा यहां प्रेजेंट हो जाए, ये आप सीधा बना लेना। अब काम करना क्या है आपको, वेरी सिंपल, फर्स्ट तो वही पैरेलल लेके आओ। पैरेलल कहां, इस प्रिंसिपल एक्सिस, क्यों यहां से कहां ज्वाइन करवा दो, और दूसरे वाली लाइन इस सेंटर से होती हुई बेस, तो क्या ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल जा रही है, ये तो आप पूरा बना लेंगे, इसमें थोड़ा सा हो गया है। तो पैरेलल लाइन जब भी आप, वैसे तो हम क्या मानते हैं मिलती नहीं, अगर कहीं मिलती होंगी तो दूर कहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके मिलती होंगी तो हम क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी की तरफ चलेगी, तो नेचर क्या बन जाएगा बेटा इसका, जैसे पिछले पैटर्न में देखते आ रहे हैं, पहले तो कहां मिलती हुई देखेंगे इन्फिनिटी में, तो पोजीशन क्या हो जाएगी एट इन्फिनिटी, ये उसकी पोजीशन है। दूसरा साइज, अब हम देख रहे थे कि जैसे जैसे नजदीक आ रहा है तो साइज बढ़ता जा रहा है, तो जब इन्फिनिटी जितनी पीछे बन रही है मैं उतना ही साइज बड़ा होगा, तो इंफिनिटी पे जब बनेगी तो हम क्या मान के चलेंगे, बहुत ही बड़ा हमारा साइज हो जाएगा, तो वेरी लार्ज इन साइज। तीसरा केस, हम डार्क लाइन ही मिलती हुई मान रहे हैं और मिलेंगे भी यही रियल एंड इनवर्टेड, तो ये हमारा फिफ्थ केस बनता है। क्लियर है बेटा, अब आ जाओ ऑब्जेक्ट कहां रखना है दोनों के बीच, अब भी वही पैरेलल, पैरेलल वाली लाइन को कहां फोकस, ये हमने बेस, दूसरा ठीक है। अब देख लाइन के बीच में गैप इंक्रीज कर रहा है, ये लिखना नहीं है, तो इधर तो ये बिल्कुल नहीं मिलेगी, तो बट एक चीज है, जब आप इनको देखोगे तो ये है पीछे, आपको सीधा इनको पीछे मिला दे पढ़ा देना है इसको, तो हमें ये यहाँ पीछे इस पॉइंट पे मिलती हुई दिख रही, देखो मिल रही एक्चुअली नहीं मिल रही, मिलती हुई अपीयर हो रही, तो ये ए पॉइंट था, तो यहाँ पे पॉइंट भी क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, उसकी इमेज तो ए डैश,
तो यहाँ पे सिर्फ था, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा सिर्फ। अब एक चीज बताओ बेटा, यहाँ पे डॉटेड लाइन थी, तो यहाँ पे आपको जो प्रिंसिपल एक्सिस तक लाइन ज्वाइन करवानी है वो डार्क नहीं होगी, कैसी होगी? डॉटेड। तो ये हमारी ए डैश बी डैश फाइनल इमेज मिल जाएगी। समझ आया कैसे करना है? कुछ नहीं करना, सिंपल है। एक वही रूल पैटर्न वाले फोकस से एक सीधी इधर गैप बढ़ रहे हैं, को पीछे बढ़ा दो सीधी ऐसे, जहां कट करें वहां इस इमेज ए डैश नीचे बी डैश इमेज आ जाए। क्लियर है? तो नेचर क्या हम कर रहा, पोजीशन क्या हुई? यहाँ पे आपको नहीं बताना कि F1 to F1 कहाँ बनी, आपको ऐसे लिखना है on same side of object, object की same side। Second में बात करें size कैसा है, दिख रहा है large in size। तीसरा point मैंने आप लोगों को बताया था कि जब dotted line कट करें, या आपको याद रखना है जब भी डॉटेड लाइन यहाँ दिख रहा है कैसे लाइन कट करें डॉटेड, तो वो इमेज बनती है वर्चुअल। तो क्या ये सीधी है? भाई ऐसे रखा था ऐसे बन रही है, तो बाकी कैसे मोटी बन रही थी, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, और वर्चुअल जो आपको एक फील दे, आभासी फील हो वहां पे, एक्चुअल में कोई इमेज नहीं होगी। तो ये होगा हमारा वर्चुअल में इरेक्ट। क्लियर बेटा? तो हमारे पास 6 केस बने कन्वेक्स लेंस में। 6 केस में से फर्स्ट में फोकस फिर इस तरफ शिफ्ट हो गई, फिर 2f पे चली गई, फिर बियॉन्ड 2f, फिर इनफिनिटी। तो फिर जब और ज्यादा नजदीक लेके आते हैं ऑब्जेक्ट को लेंस के, तो हमें उसी ऑब्जेक्ट की इमेज, बाकी 5 केस में तो उल्टी दिख रही थी, फिर उसी की इमेज हमें सीधी और उससे बड़ी दिखती है। कौन सी दिखती है? सीधी और बड़ी दिखती है। क्लियर है? तो बड़ी किस में दिख रही है कि यही कैसा केस है कि बड़ी तो वैसे सब कई केसों में थी, बट इसमें बड़ी भी है और सीधी भी है। तो ये प्रॉपर्टीज की कहां यूज होती है? Used in watch repairing, डॉक्टर्स भी यूज करते हैं कि कोई चीज है, आपने भी देखा होगा ना सिंपल लेंस जब छोटे होते थे स्कूल में। मुझे बाकी आप लोगों का तो पता नहीं, आजकल एडवांस स्कूल हो गए हैं, हम कई 2-3 साल गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़े बेटा, तो वहां पे धूप में जब सर्दियां होती थी बड़ा एंजॉय, बड़े एक्सपेरिमेंट किए। तो एक्सपेरिमेंट क्या, जो दोस्त होते थे उनकी शर्ट पे पीछे से वो आके बैठा, ध्यान नहीं है, धूप निकली हुई है, तो लेंस लिया फोकस किया शर्ट पे, वो शर्ट में छेद कर दिया, पता ही नहीं चलना। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट आप ना करें। खूब कागज जलाए हम लोगों ने, यूं धुआं उठता था, तो उसका काम क्या है, किस रीजन से करता है, तो लाइट को फोकस कर देता है, तो वो भी यूज है। तो ये कैसा केस है कि जिसमें आपको सीधी इमेज मिलती है? तो आपसे पूछ लिया जाए कि सीधी इमेज किस में बनेगी, तो तब बनेगी जब कन्वेक्स लेंस होगा और ऑब्जेक्ट उसके काफी क्लोज रखा हो, यानी इस सिचुएशन में उसके सेंटर और फोकस के बीच में रखा हो। क्लियर है बेटा? सॉरी। तो अब ये खत्म हो गया, अब आप एडिंग बना के नई एडिंग डाल लो कि नेचर ऑफ इमेज फॉर्मड बाय ए कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में ज्यादा बड़े केस नहीं होने वाले, मैं यही दो ही केस होंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इसमें भी कॉनकेव लेंस आपको पता है ऐसे होता है, सेंटर F1 टू F1, F2 to F2। बस एक चीज ध्यान रखनी, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये कन्वर्ज करता है डाइवर्ज करता है, तो आंसर आएगा डाइवर्ज।
तो ये हमारी रेज निकल के आई इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट तो पीछे से आएंगी फर्स्ट, तो ये रे को डाइवर्ट करेगा, और डाइवर्ट इस तरीके से करेगा कि ये हमें कहां से जाती हुई दिखेंगी, इस वाले पॉइंट से, यानी आपको यहां से यहां ड्राइंग करवा के ऐसे भेजना, चीज समझ आई, यहां से स्टार्ट करके यहां तक रोटेट क्यूसी था, इसी तरीके से नीचे, ये आप लोगों ने रूल भी पढ़ा होगा तो वहां से देख सकते हो, क्लियर है। अब ये रेज इधर तो मिल नहीं सकती क्योंकि गैप बढ़ रहा है, तो हमें कहां मिलती हुई दिखती है, इस F1 पर। तो नेचर में क्या बताओगे, तो यहां पे भी इस साइड का बताना था, ये तो इसी साइड है, बट इसके ये फोकस इफेक्टिव होते थे, कौन से होते थे बेटा, उस वाले में ये लेते थे वो, इस वाले में कंकेव लेंस में ये फोकस इफेक्टिव होते, तो आपको क्या बोलना है F1। सेकंड पॉइंट साइज आपको देखने को मिल रहा है, एंड थर्ड पॉइंट साइज के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो थर्ड का निकल के डॉटेड लाइन मिल रही है तो वर्चुअल। और एक चीज आप याद रखना, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगी। तो अगर आपको पेपर में जस्ट इतना बता दें कि वर्चुअल इमेज है, तो आपको कॉमन सेंस से याद रखना कि वो इरेक्ट भी होगी, या ये बोल दे कि इरेक्ट है तो वर्चुअल भी होगी। सेम अगर इन्वर्टेड बोल दे तो रियल होगी, रियल बोल दे तो इन्वर्टेड, कॉमन सेंस याद रखना इस बात को। बी केस डिस्कस करते हैं, सेकंड केस को आप ए बी सी बोल लो, हम वो डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सेकंड केस हो जाएगा। ऑब्जेक्ट ऑन, यहाँ पे छह केस नहीं बनेंगे बेटा, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, आपको इतना सा याद रखना है, क्लियर है। सेकंड केस और देखते हैं बेटा, हमने इसके रूल्स में ये पढ़ा था, सेंटर F1 टू F1, F2 टू F2, इसमें आपको प्रिंसिपल एक्सिस पे रखना है ऑब्जेक्ट, तो कहीं पे भी रख सकते हैं, मैं यहां रख लेता हूं, वन एंड हाफ लाइन, भाई चार लाइन का चलेगा, फर्स्ट आपको पैरेलल भेजनी है, तो जब ये पैरेलल चली जाए तो यहां से अब ये कहां जाएगी, ये ऐसे जाते हुए दिखेगी। दूसरी लाइट आपको कैसे बनानी, वेरी सिंपल, दूसरी हमने पढ़ी थी कि जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से वो बिल्कुल सीधी जाती है, तो दूसरी को आप यहां से पास कर पा, तो हमने ये लिया, तो दूसरी लाइट हमारी ये चली। अब एक लाइट तो ऐसे और एक ऐसे जा रही है, तो ये तो कभी नहीं मिलेंगी, तो हम देख रहे हैं इसको पीछे की तरफ बढ़ा जाता है, तो ये इस पॉइंट पे कट कर रही, कट कर गई, तो ये ए है, ये बी है, यहाँ पे ए डैश मिलेगी। पर अब अगली बात आपको ध्यान रखनी है, आपको तभी रियल इमेज मिलेगी जब दोनों की दोनों लाइन डार्क, अगर दोनों डॉटेड या एक डार्क और एक डॉटेड है, तो दोनों केस में आपको यहाँ वर्चुअल इमेज मिलेगी। तो ये इसका सिर था, तो सिर आपको तो ए डैश मिल रहा है, तो सिर तो पक्की बात है यहाँ पे होगा। तो दूसरा आपको बारीकी से ध्यान रखना, देखो इतने डैश लगाने, पूरी डार्क नहीं होनी चाहिए, ए डैश बी डैश, क्लियर है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको थोड़ा डाउट है वीडियो दोबारा देख लेना, या आप एनसीईआरटी से थोड़ा सा डायग्राम देख लेना किस तरीके से। तो नेचर क्या बना बेटा, फर्स्ट बिटवीन सी एंड एफ, इसके बीच में बनेगी हमेशा, ऑब्जेक्ट को आगे पीछे पूरे में कहीं पे रख लेना, हमेशा इसके बीच में आएगी, ऑलवेज।
इस केस में इन्फिनिटी वाले में लिखा है प्रिंसिपल एक्सिस में तो भी रखा होगा सेकंड स्मॉल n साइज या डिमिनिश और तीसरी आपको कैसे दिख रही है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये थे बेटा हमारे इसके दो केसेस। तो आप लोगों को उम्मीद करूंगा ये चीजें समझ आ गई होंगी। तो इसमें अगर आप एक नजर मार के देखो कंकेव लेंस में हर बार वर्चुअल इमेज बन रही है छोटी इमेज बन रही है। कन्वेक्स लेंस में 6 केस हैं, 4 केस में हमारी 4-5 केस में क्या बनती है रियल एंड इन्वर्टेड और एक केस में बनती है वर्चुअल। तो आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये था बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन पूछा जाता है 99% या तो मिरर से या लेंस से है दोनों एक जैसे। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने बार बार प्रैक्टिस करने जब तक क्लियर ना हो जाए। कोई डाउट रहता तो मेरे से नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। तो यही कहना चाहूंगा कि अच्छे से पढ़ो। एट द लास्ट टेक केयर बी सेफ थैंक यू बाय बाय।